हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडी सद्दाम 91-28। तो आज मैं बताने वाला हूँ 2021 प्रथम पाली साइंस सेट जी का। आप लोगों के पास जो सेट हो उनमें से मिला सकते हैं या वीडियो देख करके। फ़र्क इतना है कि एक का क्वेश्चन 10 में दिया रहता है या 20 में दिया रहता है, लेकिन प्रश्न वही रहता है और ऑप्शन भी वही रहता है, सेम वही है। बस फर्क इतना ही है कि अगर 10 का क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा तो किसी का जो है सो वो को वही क्वेश्चन एक में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखकर पूरा मिलाइए आप लोग सही। इसमें टोटल 100 का 100 आंसर सही जवाब देंगे, एक भी मिसयूज नहीं है, बस 2-3 ठो कन्फ्यूज में है और कहीं दिक्कत नहीं है। पूरा 40 का 40 और 80 का 80 फुल मार्क बताऊंगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक का होगा 1 MA बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 10.6 A। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, है ना, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, इन सभी या विद्युत उत्पादन में, तो ये हो जाएगा डी का सभी। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, तो डी होगा, विद्युत ऊर्जा में। चौथा क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या सी होगा, 79। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 का, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अवक्षेपण हो जाएगा। 5-6 का हो गया, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो इसका हो जाएगा 2 C। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 में है, अम्ल वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा B। राइट आंसर B हो जाएगा, 5.6 से कम। 8 का है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, तो कौन होगा, तो 8 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा दोस्तों, सी होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, 9 का, निम्नलिखित में कौन सा श्रवण उत्तक है, तो 9 का हो जाएगा डी, यानी ये ए और बी, एपिडर्मिस फ्लोएम, यानी ये दोनों होगा, इसीलिए इसका दिया है डी में बी एवं सी। इस तरह से अब देखते हैं 10 का, 10 का क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है, तो इसका हो जाएगा डी, निष्कासन द्वारा। 11 का देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका हो जाएगा यकृत। पूरा एकदम छक्का के जैसे क्वेश्चन है, छक्का मारने जैसा क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं 12 का, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, तो सेरिबल, वाह ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 13 का, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है, तो इसका हो जाएगा डी, यानी टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, ए, तो ये दोनों होगा, इसीलिए डी लगाना है, यानी ए और बी दोनों, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 का, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बिल्कुल 4, पढ़ाए हैं कोचिंग में, ध्यान से देखो। उसके बाद रक्त क्या है, तो रक्त उत्तक है, पढ़े हो कि नहीं, कितना बार पढ़ाएंगे। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, लेखक का नाम पूछ रहा है, देख लो, सी होगा, जोहेंसन होगा सी का।
सीखा होगा। उसके बाद 17 में देखते हैं, तो 17 में है विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नर्म लोहा है ना। उसके बाद 18 के, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, परमाणु, प्रोटॉन, आयन, इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। 18 के डी होगा, बिल्कुल राइट, डी इलेक्ट्रॉन। 19 ओम का नियम डी हो जाएगा, क्या होगा 19 का, डी होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ए होगा। क्या पढ़ाए हैं ना, कितना बार पढ़ाए हैं। उसके बाद 20 का है विभवांतर का SI मात्रक, वोल्ट, डी, छक्का मार क्वेश्चन है। 21 का अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा। आगे 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 देखिए क्या है। 22 में है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन। क्वेश्चन देखते जाइए। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा का निर्माण, धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, या इनमें से कोई नहीं, तो सी में क्या है, सी होगा, क्या होगा, धारा का परिमाण, तो सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 विद्युत आवेश का SI मात्रक, विद्युत SI 24 है ना, कूलम ये होगा। अगला क्वेश्चन 25 शोषण के अंतिम उत्पाद का कौन सा होगा, डी होगा, एकदम बिल्कुल सही। 26 दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एनोमेल बिल्कुल। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो छोटी आंत है ना। 27 का देख लो। 28 में परागण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागण कोष, ए, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें, जाइलम में, फ्लोएम में, जंतुओं में, सी, फ्लोएम में पाया जाता है। RBC की जीव अवधि होती है, RBC की जीव अवधि होती है क्या, 120 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, अस्थित कोशिका, मास्टर सेल, तो इसका सी राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। फिर आगे आते हैं 32। हाँ 32 में अंडाणु निषेचन होता है, 32 में डी, 32 का डी, फैलोपियन नलिका में। 33 का निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन है, तो इसका भी हो जाएगा डी, ऑक्सीटोसिन हो गया। आगे क्वेश्चन 34 नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर, आहा। 35 में निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, 35 का बी होगा यीस्ट में, अंबिबा में, पैरामीशियम, यूग्लिना में, डॉट लग रहा है हमें, लेकिन बी ज़्यादातर हमें उम्मीद है। अब आगे है 36 में क्या है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है,
बी सूर्य प्रकाश। 37 37 किधर गया? निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। वाह, अगला क्वेश्चन देख लिया। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। उत्पादक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, उत्पादक होगा, उल उत्पादक है। 39 में नर युग में गुणसूत्र संख्या होती है? तो 23 होती है, बी आंसर। 40 ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर में, ए में होगा इसका आंसर। 41 में ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? है ना, तो उपधातु, मिश्र धातु, धातु, तो डी होगा उपधातु। देखिए चौका है कि छक्का है। अगला क्वेश्चन देखिए। 42 में लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सी, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण। सी हो जाएगा, सी होगा। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसका क्या होगा? 43 देख लीजिए, CH4 हाइड्रोक्लोरिक। चलिए 44 आभूषण बनाने वाला सोना होता है, बैस कैरेट के। 24 नहीं दे देना, 24 का ओरिजिनल कोई देवो नहीं करेगा। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, आर्गन, सिलिकॉन, ब्रोमीन। 45 का बताइए, सी आर्गन। अब है ताम एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो कंफ्यूज है आप लोग को पता चल गया होगा, दूठो हमको अभी तक पता चला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, सूत्र याद किए हैं कि नहीं? बी। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। 48 का सी लवण। 49 बुझा हुआ चूना क्या है? सूत्र है, क्या होगा इसका? ए। निम्न में कौन भस्म नहीं है? बी, टिक लगा दीजिए। जस्ता का आश्क है 51, बी होगा जिंक ब्लेंड। 52 की ओर सिलिकन एक क्या है? उपधातु है। चौका छक्का। 53 एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? 53 का बताइए, नाइट्रोजन। टिक लगा देते हैं, लीजिए टिक लगा दिए 53। 54 अब 54 का देखते हैं, ये 55 आ गया। 54 मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, इसका क्या होगा? ए फॉर्मिक अम्ल। 55 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? डी, इनमें से सभी, यानी कि सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी हो जाएगा। 56 मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। 56 का ए क्लोरोफिल में, लाल रख दे क्लोरोफिल, इधर उधर मत, सीधा डायरेक्ट सी ई। 57 में क्या है? तेलीय कागज
होता है तो पारदर्शक ए हो जाएगा इसका 56। 57 का पारदर्शक, अपारदर्शक गलत, ए नहीं, सी 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 होगा। 58 लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्र, एसआई क्या है? 58 का डी, मात्रक विहीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 59, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न, अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या बी दो होता है। ये सब तो बहुत पढ़े हो आप लोग, आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए होंगे। जो जो नहीं, अच्छा, विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? लकड़ी, कार्बन, प्लास्टिक। इसमें तो बिना देखे टिक लगा देगा डी का, देखिए डी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। 63 का क्या होगा? कार्बन का, तांबा जस्ता नहीं, कार्बन होगा। 64 एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 65 वनस्पति तेलों में होते हैं क्या? लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। छियासठ ब्यूटेन के कितने समावेशी समावेश संभव है? 66 का हो जाएगा बी, दो। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार है क्या? 67 का हो जाएगा डी, परमाणु द्रव्यमान। 68 में अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो 1:3 टी। 68 69 निम्न में कौन कमरे का तापक्रम पर द्रव है? तो इसका हो जाएगा एथेन, एथोन, इथेनॉल, एथेनॉल सी होगा। सवाल कोई भी है, बहुत अच्छा अच्छा है, सब किताब से मिलाए हैं, गाइड से मिलाए हैं, पूरा पूरा तैयारी कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए 70 का सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा डी, अरे टिक नहीं लग रहा है, एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 71 में निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? 71 का हो जाएगा डी, इनमें सभी, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, यानी ये सब होगा, इसलिए कौन टिक लगाना है? डी लगाना है। 72 में देखिए एक अणु सूत्र परंतु संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। 72 का एक मिनट, 72 का हो गया ए, समावय, ये टिक लगा दिए। 73 में दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, राइट आंसर ए हो जाएगा। 74
श्वेत प्रकाश वर्ण कर्म में रंग किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो इसका हो जाएगा बैंगनी, डी हो जाएगा इसका आंसर। टिक लगा दिए डी में। आप मिलान करते रहिए। 75 में समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण फोकस दूरी अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो 77 का हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर। सी नहीं, हाँ सी 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 सी, कोई दिक्कत नहीं, सी है। थोड़ा सा भी गलत नहीं है, सी होगा ही होगा उसका। 77 में तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, सी होगा। 78 में मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायी वित्त है, तो 1/6 सेकेंड, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। उन्यासी, अभी कितना को बताए हैं? हाँ ठीक, अब ये बताना है 79। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका हो जाएगा सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं। उत्तल दर्पण से बना, तो ए होगा सीधा एवं आवर्धित। उसके बाद लास्ट है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। दोस्तों मैंने पूरा क्वेश्चन का हल कर दिया है, एक दो क्वेश्चन ही गलत है, बाकी पूरा सही है। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और आज तो हमें लेट हो गया वीडियो बनाने में, अपलोड ही लेने में ही बहुत टाइम लगता है, तो कल मैं फिर बनाऊंगा वीडियो मैथ का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।